फिरोज खान की वो फिल्म जिसे तीनों खान ने किया रिजेक्ट, उसी ने मामूली एक्टर को बना दिया सुपरस्टार। शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान बॉलीवुड के वो स्टार हैं जो करीब 3 दशक से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। तीनों ने 90 के शुरुआती दौर में या उससे कुछ पहले अपना बॉलीवुड डेब्यू किया और एक साथ बॉलीवुड पर छा गए। आज ही नहीं 90 के दशक में भी इन तीनों खान के साथ हर फिल्म मेकर काम करना चाहता था। इन्हीं में से एक थे बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फिरोज खान, जिन्होंने इन तीनों ही खान यानी आमिर, सलमान और शाहरुख को एक फिल्म ऑफर की थी, लेकिन तीनों ही खान ने दिग्गज अभिनेता की फिल्म करने से किसी न किसी वजह से मना कर दिया और बाद में ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। ये फिल्म थी एल्गार, जिसे शाहरुख, सलमान और आमिर के ना कहने के बाद विकी अरोड़ा को ऑफर किया गया और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस एक फिल्म को करके विकी अरोड़ा एक मामूली एक्टर से सुपरस्टार की कैटेगरी में आ गए थे, लेकिन निराश करने वाली बात ये रही कि विकी अरोड़ा बॉलीवुड के वन हिट वंडर बनकर रह गए, क्योंकि इसके बाद वह एल्गार की सफलता को भुला नहीं पाए, न ही इसके बाद कोई दूसरी हिट फिल्म दे सके। दरअसल एल्गार के लिए फिरोज खान को एक गुड लुकिंग एक्टर की तलाश थी, जिसके चलते उन्होंने पहले आमिर, शाहरुख और सलमान खान को ये फिल्म ऑफर की थी, लेकिन तीनों ने ही किसी न किसी वजह से फिल्म को ना कह दिया, क्योंकि फिरोज खान खुद इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे और साथ ही फिल्म में एक्ट भी कर रहे थे। उन्हें अपने प्रोजेक्ट पर पूरा यकीन था। यही वजह थी कि जब इन तीनों खान ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया तो फिरोज खान ने किसी नए चेहरे को कास्ट करने का फैसला किया। इसी दौरान लैला खान ने विकी अरोड़ा को फिरोज खान से मिलाया। लैला ने फिरोज खान की पिक्चर्स, प्रोफाइल और काम दिखाया। फिल्म के लिए विकी फिरोज को पसंद आ गए। उन्होंने फिल्म में विकी अरोड़ा को कास्ट कर लिया। खास बात तो ये थी कि फिल्म में संजय दत्त भी थे, लेकिन संजय दत्त से बड़ा रोल विकी का था। इसी से समझ आ सकता है कि फिरोज खान ने विकी अरोड़ा को कितना बड़ा मौका दिया था। फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई, लेकिन एक सुपरहिट देने के बाद विकी किसी दूसरी फिल्म में अपना करिश्मा नहीं दिखा पाए। विकी को करियर में वैसी सफलता नहीं मिल पाई जिसकी उन्हें उम्मीद थी। धीरे धीरे विकी अरोड़ा बड़े पर्दे से गायब होते गए और एक समय ऐसा आया जब विकी पूरी तरह से फिल्मी पर्दे से गायब हो गए और किसी को उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि इसके बाद भी आज भी विकी अरोड़ा का गाना हो जाता है कैसे प्यार काफी लोगों को पसंद है। ऐसे ही बॉलीवुड न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल वाहिया टॉक्स को सब्सक्राइब करें।